हेलो एवरीवन वेलकम नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट रेडिएशन फिजिक्स ऑफ डीआरटी पार्ट फर्स्ट जैसा कि आपको पता है रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इसी टॉपिक को आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे जैसा कि आपको पता है कि आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले हम पीछे के टॉपिक का एक शॉर्ट रिविज़न करेंगे एलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था तो हम पहले उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कैपेसिटेंस क्या होता है चार्ज को स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की वही कैपेसिटेंस कहलाती है ठीक है दैट मीन्स कोई भी कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर कर रहा है ये जो उसकी प्रॉपर्टी है यही कैपेसिटेंस कहलाती है ठीक है कैपेसिटेंस को हम सी से डिनोट करते हैं और इसका अपन ने फॉर्मूला लिखा था सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी ठीक है कैपेसिटेंस की यूनिट अपन ने फराडे पढ़ी थी ठीक है अब अपन बात करते हैं कैपेसिटर की जैसा कि अभी अपन ने बात की कि कोई भी डिवाइस या फिर कोई भी कंडक्टर जो चार्ज को स्टोर करती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहला रही है कैपेसिटेंस कहला रही है अब अपन बात करेंगे कि वो जो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर रही है वो डिवाइस क्या कहलाती है कैपेसिटर कहलाती है ठीक है कैपेसिटर के दो काम होते हैं एक चार्ज को स्टोर करना दूसरा किसी दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना या फिर किसी दूसरे कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना ठीक है इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर अपन बात करें तो इसमें दो प्लेट्स होती हैं ठीक है जिनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटीरियल फिलअप होता है जिसको अपन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं ठीक है अब अगर अपन बात करें इसकी वर्किंग की ठीक है तो ये वर्किंग इलेक्ट्रो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे करता है अब इलेक्ट्रो इंडक्शन क्या होता है एक चार्ज्ड बॉडी से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना ठीक है ये जो घटनाक्रम है ये जो फिनोमिना है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है ठीक है अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन की तो जैसा कि आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे एक था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे पहले अपन बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की सीरीज कॉम्बिनेशन वह कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा कैपेसिटर किसी भी सर्किट के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों ठीक है पैरेलल कॉम्बिनेशन वह कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक से ज्यादा कैपेसिटर किसी भी सर्किट के अंदर समांतर क्रम में जोड़े गए हों ठीक है ये दो कॉम्बिनेशन थे एक सीरीज और एक पैरेलल इनके फॉर्मूलाज अपने डेराइव किए थे विद डेरिवेशन इनके फॉर्मूला अपना जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का था वो आया था सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डैस डैस डैश ठीक है और जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था इसके अंदर आया था वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस डैश डैस डैश ठीक है तो ये जो आपका यहाँ पे फॉर्मूला डेराइव किया था ये अपन ने टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला डेराइव किया था ठीक है टोटल कैपेसिटेंस को आप यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या फिर इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो ठीक है तो जैसा कि कैपेसिटेंस कैपेसिटर इसके कॉम्बिनेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया ये सब था हमारा लास्ट लेक्चर का अब आज के लेक्चर के अंदर जैसा कि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर अपन ने अभी चार्ज स्टार्ट किया था चार्ज के बाद में अपन ने जो चार्ज के जो कुछ रिलेटेड टॉपिक थे उनके बारे में डिस्कस किया ठीक है अब अपन चार्ज से आ रहे हैं करंट के ऊपर ठीक है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करते हैं ठीक है एंड इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ पॉइंट और ए रीज़न कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी क्षेत्र किसका कंडक्टर का ठीक है उसमें से अगर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज के फ्लो होने की दर ही क्या कहलाती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ठीक है इसकी एक और डेफिनेशन आती है अपने पास फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम पे चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई इलेक्ट्रिक करंट को अपन आई से डिनोट करते हैं कंसिडर इन अ सर्किट और अ कंडक्टर क्यू चार्ज इज फ्लो इन टी टाइम देन द करंट आई थ्रू द कंडक्टर इवन बाई जैसा कि अगर अपन मान के चलें कि कोई भी आपका सर्किट है कोई भी आपका कंडक्टर है जिसमें से क्यू चार्ज फ्लो रहा है और कितने टाइम में टी टाइम में तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होगा आई इजिक्वल टू क्यू बाई टी इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ के आ चुके हो आपकी जो जूनियर क्लासेज हैं ठीक है, है स्कूलिंग के अंदर फिर भी अपन यहाँ पर एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं और इसका एक नॉर्मल सा आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि आपके जो कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स में क्या होता है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव करते रहते हैं अनडायरेक्शनल उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती ठीक है कोई किधर जा रहा है तो कोई किधर जा रहा है बट जैसे ही उस कंडक्टर पे पोटेंशियल लगाया जाता है विभवांतर लगाया जाता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग जाते हैं ठीक है तो उन इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से मूव करना दैट मीन्स वहाँ पे आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है और ये जो चार्ज का जो फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर यही क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है ठीक है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम में चार्ज के फ्लो की दर ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है ठीक है इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाई आई से अपन इसको डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला अपने पास आया है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी ठीक है अब अपन बात करेंगे यहाँ पे इसकी यूनिट की ठीक है द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर ठीक है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है एम्पेयर होती है अब अपन यहाँ पे वन एम्पेयर की बात करेंगे वन एम्पेयर की डेफिनेशन की बात करेंगे तो जैसा कि अपना फॉर्मूला था आई इज इक्ल टू क्यू बाई टी आई की अपन ने यूनिट ली है एम्पेयर आई की वैल्यू वन एम्पेयर कब होगी जब आपका वहाँ पे क्यू की वैल्यू भी क्या हो वन हो और टी की वैल्यू भी वन हो क्यूँ वहाँ पे क्या है चार्ज है जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है और टी क्या है वहां पे टाइम है जिसके अंदर वो चार्ज फ्लो हो रहा है जिस टाइम ड्यूरेशन में वो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वन एम्पेयर के अपन यहाँ पे डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि वन एम्पेयर करंट तब फ्लो होगा जब आपका वन गुलाम चार्ज वन सेकेंड के अंदर किसी भी कंडक्टर में से फ्लो हो ठीक है अगर एक सेकेंड के अंदर आपका एक गुलाम चार्ज किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होता है तो वहाँ पे आपकी करंट की वैल्यू वन एम्पियर कहलाती है आया समझ में उसी को अपन यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर इज़ कॉल्ड वन एम्पियर किसी भी वायर या फिर कंडक्टर ठीक है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो गुजर रहा है वो वन एम्पियर तब कहलाएगा इफ वन कुलम ऑफ चार्ज अगर एक कलाम चार्ज फ्लो थ्रू द वायर इन वन सेकेंड उस वायर से एक सेकेंड के अंदर पास आउट हो ठीक है सिंपल सा है अगर एक सेकेंड के अंदर किसी भी कंडक्टर या किसी भी वायर से आपका एक गुलाम चार्ज पास आउट हो रहा है तो उस वक्त उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास मिलेगी आपको वन एम्पियर ठीक है अब वन एम्पियर की जो आपकी यूनिट की बात करेंगे तो वो वहाँ पे क्या आएगी या फिर अपन एम्पियर को गुलाम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं कैसे बोल सकते हैं आपके I का फॉर्मूला है Q बाई टी क्यू क्या होता है चार्ज जिसकी यूनिट क्या होती है कुलाम ठीक है नीचे आपका यहां पे है T. T का मतलब टाइम और टाइम की यूनिट यहाँ पे क्या होती है सेकेंड दैट मीन्स वन एम्पियर इज इक्वल टू कुलाम पर सेकेंड ठीक है एम्पियर की यूनिट के अंदर आप एम्पियर की जगह कुलाम पर सेकेंड भी लिख सकते हो ठीक है ये आपका था यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ठीक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है इसकी ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है आई से इसको अपन डिनोट करते हैं इसका फॉर्मूला क्यू बाई टी है ठीक है जैसा है कि अब इसको आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो अच्छे से डायग्राम भी हमने इसका यहाँ पे दिखाया है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आपने एक कंडक्टर लिया है ए बी ठीक है जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ठीक है अभी अपन ने बात की थी फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज का फ्लो कब होगा जब आपके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा ठीक है और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो जो आपका वायर कनेक्टेड है ठीक है उससे एक पोटेंशियल कनेक्टेड है एक बैटरी कनेक्टेड है प्लस माइनस बैटरी का जो पोटेंशियल है यही क्या करा रहा है जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे उनका फ्लो करवा रहा है ठीक है अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि आपका करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन कर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट आ रही है ठीक है इसी को बोलते हैं अपन फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट ठीक है ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कभी कन्फ्यूज़ मत होना कि जो आपके जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है ठीक है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे मूव करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव ठीक है वैसे बात है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव टर्मिनल से तो दूर भागेगा और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेगा ठीक है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कैसी हुई आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव बट जो आपके चार्ज जो फ्लो होता है किसी भी सर्किट में उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है तो ये आपका था इलेक्ट्रिक करंट ठीक है अब अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक आपका इम्पोर्टेंट लो आता है एक नियम आता है उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे ठीक है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लो ओम का नियम जानते हो आप सब लोग ओम का नियम क्या होता है पढ़ रखा आप लोगों ने एक बार दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं द ओम्स लो स्टेट्स दैट अ स्टडी करंट फ्लोइंग थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट ओम्स लो की कुछ कंडीशंस थी कुछ प्रैक्टिकल इसने किया था या फिर ये कुछ आपको डिराइव करके बताता है ठीक है ये क्या बताता है कि कोई भी आपका अगर आप सर्किट लेते हो जिसके अंदर आपका करंट आई फ्लो हो रहा है और आपने उस पर पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना लगा रखा है वी लगा रखा है ठीक है पोटेंशियल आपने वहाँ पे उस पर वी अप्लाई कर रखा है तो उस वक्त क्या होता है कि उस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट ठीक है जो आई है वो आपका पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो आपका करंट बढ़ेगा और अगर आप पोटेंशियल को घटाते हो तो आपका करंट घटेगा ठीक है बट इसके लिए कंडीशन क्या है टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट आपकी जो फिजिकल कंडीशनस है जो आपका सर्किट है जो आप सर्किट जहाँ पे ले रहे हो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो सेम रहनी चाहिए ठीक है अगर वो सेम नहीं रहेंगी तो आपका ओम लो यहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा यही चीज ओम लो ने बताई थी द ओम लो स्टेट्स दैट ओम लो यह बताता है अ स्टडी करंट करंट भी दो प्रकार के होते हैं एक तो फ्लक्चुएट होता रहता है स्टडी का मतलब फिक्स ठीक है यहां पे अपनी बात हो रही है कंटिन्यूस करंट की मतलब कंटिन्यूस करंट दौड़ता रहता है ठीक है एट स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर किसी भी कंडक्टर से एक करंट फ्लो हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स वो जो कंडक्टर है उन दोनों कंडक्टर के दो एंड्स होंगे दो किनारे होंगे उन किनारों के बीच में जितना विभवांतर लगाया गया है उस विभवांतर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट जब आपका टेम्परेचर क्या रहे कॉन्स्टेंट रहे ठीक है तो ये ओमलो ने आपको यही बताता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी कंडक्टर में जितना आप वोल्टेज लगाओगे उतना आपको करंट वहाँ पे प्रोवाइड होगा ठीक है अगर आप कम वोल्टेज लगा रहे हो तो आपको करंट की वैल्यू कम मिलेगी और अगर आप हाई वोल्टेज लगा रहे हो तो करंट की वैल्यू हाई मिलेगी दैट मीन्स करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है अब अपन इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करते हैं कि ओम्स लो ने मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला डेराइव किया था या फिर क्या फॉर्मूला दिया था नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स मैथमेटिकल डेरीवेशन इफ आई इज द करंट इन एम्पियर एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट देन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है जैसे कि अब अपने पीछे बात की अभी कि आपका जो करंट होता है वो वोल्टेज का डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है अब अपन यहाँ पे मान के चलते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लोर है आई करंट फ्लोर है एम्पियर्स के अंदर ठीक है और आपका वहां पर वोल्ट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आपने क्या माना है वी माना है वी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के ऊपर लगाया गया है अप्लाई किया गया तो उस वक्त आपका जो आई होगा वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यही अपन ने बात की ठीक है आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी पीछे भी यही बात की थी कि आपका करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अब अपन ने उसको मैथेमेटिकली बात की है यहाँ पे कि आई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के जैसे आप इसको मैथेमेटिकली फॉर्मूला में डेराइव करते हो तो आप लिखते हो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ठीक है जैसा कि अभी आपने पढ़ा ऊपर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के जैसे ही आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के फॉर्मूला के अंदर इक्वल टू का साइन डालते हो तो वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के साथ में आपको एक कांस्टेंट रखना होता है ये तो आपके फिजिक्स के आप डेरिवेशन करते हो तो तब पता है कि जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो अपने को एक कॉन्स्टेंट वहाँ पे रखना होता है तो यहाँ पे अपन कॉन्स्टेंट रखते हैं वन अपॉन आर ठीक है अब ये आर क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे आपको पता है बिकॉज आप स्कूलिंग के अंदर पढ़ के आ चुके हो ठीक है तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर जैसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो वहाँ पे आप कांस्टेंट रखते हो वन अपॉन आर और आपका फॉर्मूला आपको मिलता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वेयर आर इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जहाँ पे आर क्या होता है एक कॉन्स्टेंट है ठीक है एंड नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इसको क्या बोला जाता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है कंडक्टर का प्रतिरोध बोला जाता है ठीक है तो ये आपका ऑल ओवर ओम्स ला था ओम्स लॉ ने आपको क्या बताया ठीक है यही बताया कि फिजिकल कंडीशन अगर आप कांस्टेंट रखते हो जैसे कि टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट उस सर्किट पे लगाए गए वोल्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दैट मीन्स आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी जैसे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो आपके पास फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू वी अपॉन आर वेयर आर इज द कॉन्स्टेंट एंड विच इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिसको प्रतिरोध कहा जाता है ठीक है इसको भी आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आपने एक बैटरी यहाँ से आप बैटरी की सहायता से आप किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो ठीक है आर यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का जिसमें से आप करंट फॉलो करा रहे हो ठीक है अब रेजिस्टेंस होता है क्या है उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे दो चीजें यहाँ पे लगाई गई है एक वोल्ट मीटर और एक एम मीटर वोल्ट मीटर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को पता करेगा और एमीटर मीटर करंट को पता करेगा ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यही आपका ओम्स स्लो आपको बताता है डराइव करता है सिखाता है ठीक है अब जैसा कि ओम्स स्लो के अंदर बात हुई बार बार रेजिस्टेंस की प्रतिरोध की तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अभी रेजिस्टेंस और प्रतिरोध नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है प्रतिरोध क्या होता है ओपोज करना ठीक है किसी चीज़ किसी भी चीज़ के ओपोजिट चलना या फिर उसमें रुकावट पैदा करना ठीक है वही चीज़ क्या कहलाती है प्रतिरोध अब यहाँ पे आपका क्या है कंडक्टर है कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है ठीक है तो सिंपल सी बात है कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका ओपोज करना ठीक है उसको रोकना उसके फ्लो के अंदर बाधा डालने क्या कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट ओपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट रेजिस्टेंस कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है ठीक है रेजिस्टेंस कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होती है और यह है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है सर्किट में से जो करंट फ्लो रहा है उसका ओपोज करती है उसका प्रतिरोध करती है ठीक है वही क्या कहलाता है रेजिस्टेंस कहलाता है ठीक है अब जैसा कि आपने ओम स्लो में पढ़ा था आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर अगर उसी फॉर्मूले को अगर, अगर अपन काम में लेके आर की वैल्यू निकालें वहां से तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी वी अपॉन आई ठीक है उसी फॉर्मूले से अगर, अगर अपन आर की वैल्यू निकालें ठीक है तो वो आपको मिलती है वी अपॉन आई होता कैसे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है रेजिस्टेंस कहलाता है और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई ठीक है v यहाँ पे आपका है, करंट नाउ द डिवाइस स्विच ऑफर द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रजिस्टर ठीक है अब जो डिवाइस जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उस डिवाइस को आप क्या बोलते हो रजिस्टर बोलते हो ऑब्वियस ही बात है कैपेसिटेंस की तरह अगर अपन इसको रिलेट करें कैपेसिटेंस क्या था चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी और डिवाइस जो करती है वो कैपेसिटर कहलाता है सेम यहाँ पे ठीक है जो प्रॉपर्टी जो क्या करे करंट के फ्लो को अपोज करे वो क्या कहलाती है रेजिस्टेंस कहलाती है और जो डिवाइस जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाएगा रजिस्टर कहलाएगा ठीक है इट जेंटेड बाई जिग जेग लाइन अपना जो नॉर्मल सर्किट होता है सर्किट के अंदर अपने को रजिस्टर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको अपन जिग जेग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है द विद वेरिएबल इज कॉल्ड रियोस्टेट अब ऐसा रजिस्टर जिसका रजिस्टेंस हम बदल सकते हैं वेरिएबल का मतलब अलग अलग चेंज कर सकते हैं वो रजिस्टर क्या कहलाता है रियोस्टेट कहलाता है ठीक है देखा भी होगा आपने रियोस्टेट आपके जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते थे जिसके ट्वेल्थ के अंदर उसमें आपने रियोस्टेट देखा होगा सर्किट्स के अंदर जिससे अपन रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं ठीक है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है साइन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओम को हम किस साइन से सिंबल से लिखते हैं डिनोट करते हैं अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वन ओम की डेफिनेशन की सिंपल सी बात है समझना इसे आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस ओम है ठीक है और आर का फॉर्मूला है वी अपॉन आई ठीक है दैट आर की वैल्यू कब होगी जब आपका वोल्ट भी वन हो और वहां पे करंट भी वन हो ठीक है तो इसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जब किसी भी कंडक्टर पे अगर आप एक वोल्ट पोटेंशियल लगाते हो और उसमें से एक एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस वक्त उस सर्किट या फिर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध वन ओम होगा ठीक है वन ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वन ओम उस रेजिस्टेंस या फिर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा थ्रू विच जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वन एम्पियर वन एम्पियर करंट फ्लो होता है वैन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट इज अप्लाइड टू इट जब आप उस पर पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स विभा अगर वन वोल्ट लगाते हो और उसमें से एक एम्पियर करंट फ्लो होता है तो उस वक्त उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस प्रतिरोध वन ओम होगा ठीक है तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका नॉर्मल सा रेजिस्टेंस था ठीक है आज अपन ने तीन टॉपिक डिस्कस किए फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट सेकंड आपका ओम स्लो और थर्ड रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इलेक्ट्रिक करंट कहलाता कर है आई से डिनोट करते हैं ओम स्लो आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट के ठीक है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर और रेजिस्टेंस जो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को ओपोज करती है उसका प्रतिरोध करती है ठीक है और ऐसे डिवाइस जो आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराए वो रेजिस्टर कहलाता है इसकी यूनिट ओम होती है ठीक है और वन की ओम की डेफिनेशन के बारे में भी हमने आज डिस्कस कर लिया ठीक है तो आज का अपना इतना ही है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू